हमारे देश में लोकतंत्र के सामने दो खतरे भी हैं। एक खतरा है मनतंत्र का, दूसरा खतरा है मनीतंत्र का। आपने देखे होंगे इन दिनों जरा ज्यादा देखने को लगते हैं, मेरी मर्जी, मेरा मन करता है मैं ऐसा करूंगा। क्या देश ऐसे चलता है? क्या मनतंत्र से देश नहीं चलता है, जनतंत्र से देश चलता है। आपके मन में आपके विचार कुछ भी हो, लेकिन इससे व्यवस्थाएं नहीं चलती है। हर किसी को अगर सितार में एक तार ज्यादा खींचा होता है तो भी सुर नहीं आता है, और एक तार ढीला होता है तो भी सुर नहीं आता है। सितार के सभी तार समान रूप से उसकी खिंचाई होती है तब जाकर के आता है। और इसलिए मन तंत्र से लोकतंत्र नहीं चलता है, मन तंत्र से जनतंत्र नहीं चलता है। जनतंत्र की पहली शर्त होती है मेरा मन में जो भी है जन व्यवस्था के साथ मुझे उसको जोड़ना पड़ता है, मुझे एसिमिलेट करना पड़ता है, मुझे अपने आप को डाइल्यूट करना पड़े तो डाइल्यूट करना पड़ता है। और अगर मुझ में रुतबा है तो मेरे विचारों से कन्विंस कर करके मेरा कुनबा बढ़ाते बढ़ाते लोगों को साथ लेके चलना होता है। हम इस तरीके से नहीं चल सकते। और दूसरा चिंता का विषय होता है मनीतंत्र। भारत जैसे गरीब देश में ये मनीतंत्र लोकतंत्र पर बहुत बड़ा कुठाराघात कर सकता है। हम उससे लोकतंत्र को कैसे बचाएं, उस पर हमारा कितना बल होगा, मैं समझता हूं उसके आधार पर अगर हम प्रयास करते हैं